श्री अकाल एंड नमस्ते, कीप वाचिंग हम तुम्हारे ट्रैवलिंग हंसते हंसते। हे गाइस, तो आप सोच रहे होगी हमने ब्लाइंड फोल्ड क्यों लगाई है। मैं बताती हूँ, हमने इसलिए लगाई है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम अंधाधुन चैलेंज अभी नहीं कर रहे क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें करना है चॉकलेट चैलेंज। मतलब आपने कमेंट्स बॉक्स ही भर गया यार उससे, चॉकलेट चैलेंज इतने सारे थे बस एक बंदे ने। गाइस, आपको दिख रहा होगा जिस बंदे ने करा है, प्लीज अपने थोड़े से एफर्ट्स दे के कमेंट में लिख दिया करो कि आप क्या चाहते हो हमसे करवाना, कौन सा चैलेंज, वरना हमारे पास ज्यादा वैरायटी नहीं होती। अरे यार मैं कर लूंगा। और लॉकडाउन था फिर भी हमें चॉकलेट अरेंज करनी पड़ी और इसीलिए हम कर रहे हैं चॉकलेट चैलेंज। सो बेसिकली इसके अंदर क्या करना है वो आपको ये समझाएगी मैं। इसके अंदर हमें क्या करना है वो है, हमें चॉकलेट्स मिलेंगी तरह तरह की, तरह तरह टेस्ट करके बताने की वो कौन सी चॉकलेट है। और हमेशा की तरह मैं एक बार चैलेंज जीत जाऊंगी कि ये चॉकलेट वाला है। पिछली बारी वाली क्या थी आप लूजर। तो मैंने लेकिन अपनी पनिशमेंट कही थी, जो अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं उसी को विनर करते हैं, उसी को विनर कहते हैं। एनीवेज, तो आज के चैलेंज का एक सिंपल सा रूल है, हमारी आईज होंगी ब्लाइंड फोल्डेड, इसीलिए हम ये लेके बैठे थे। और फिर ये हमारी मम्मा हमें ब्लाइंड फोल्ड करेंगी, उसके बाद हमें चॉकलेट मिलेगी और हमें वो चखनी है और बताना है कौन सी है ये। बहुत सिंपल है लेकिन पनिशमेंट बहुत ट्रिगर्ड है। यस गाइस, पनिशमेंट जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखें। गाइस हम लोगों ने कर लिया है ब्लाइंड फोल्ड और हमें कुछ नहीं दिख रहा और हम ऑनेस्टली ये गेम खेलने वाले हैं। यस गाइस, और क्योंकि हमें नहीं पता चॉकलेट कहाँ से आएगी इसलिए सब अपने हाथ आगे कर लो गाइस। और आप लोग फील वाली पोजीशन में फील और सूंघ नहीं सकते चॉकलेट को। हाँ, सिर्फ खानी है। और फर्स्ट चॉकलेट जो सामने आ रही है इसका नाम बताना है ये कौन सी चॉकलेट है। हाँ हाँ, दो तो पहले खाएगा वो होगा इस गेम का विनर। सबसे स्टार्ट डेरी मिल्क नेस्ले। मेरे को नहीं पता नेस्ले कैसे है। नेस्ले है डेरी मिल्क, नेस्ले की मिल्क मेरी मिल्क है। मैं तो मम्मा है कौन सी है ये चॉकलेट है। मैं जीत यू गाइस। आपने नेस्ले की वाइट चॉकलेट बोली थी, इन्होंने मैंने कहा था मिल्की वाली बोली थी। कहते हैं मिल्क चॉकलेट हमेशा वाइट नहीं होती, जो एक होती है डार्क चॉकलेट, जो ब्राउन चॉकलेट। तो मैं जीत गई। ब्राउन चॉकलेट नहीं होती है, वाइट चॉकलेट होती है। ब्राउन चॉकलेट नहीं बोलते उस पैक में लिखा है। गाइस मैं जीता, गाइस मैं जीता क्योंकि मैंने सिर्फ नेस्ले बोली थी और ये क्लासिक है उसकी। मैंने पकड़े क्यों लगाई है फिर, तो यार ठीक है आपने चेक। गाइस तो देखिए नेस्ले क्लासिक है, ये कोई व्हाइट वाली चॉकलेट नहीं है। रीकैप तो मेरी नाक कटेगी। तो बेसिकली अब हम रीकैप करके देखते हैं कि कौन जीता। नेस्ले की मिल्क मेरी मिल्क है। वेलकम बैक गाइस, और इसका विनर है एरिक। तो गाइस अभी ये गर्ल अपने आप को लाइक चॉकलेट गर्ल बुलाती थी, चॉकलेट होलिक, चॉकलेट गर्ल नहीं, आपने आपको आपने भी बोला है मेरे सामने। तो गाइस ये इनसे अवार्ड छिंगा जाता है और मेरे को दिया जाता है ये। थैंक यू। Which one is it? Snacker. Snacker. उसके बाद मैंने बोला तो बेसिकली पॉइंट एरिक था गाइस, और मैंने क्योंकि बोला था पक तो एरिक हुआ इस राउंड का विनर। थैंक यू। और मुझे अभी तक कोई भी चॉकलेट नहीं आई है तो मुझे नहीं पता कौन कौन सी चॉकलेट है यहाँ पर। गाइस मजा आ रहा है, दो पॉइंट हो गए। नाउ आई एम अ चॉकलेट बॉय। गाइस ये थर्ड राउंड है और अब हमारे हाथ में चॉकलेट आएगी इसलिए हम फिर से खाली पोजीशन में। ये बाबा दे थर्ड राउंड की चॉकलेट है, बता दो मम्मी, बोल दो मेरे कान में बोल दो सिर्फ। चीटर वन टू, अरे दादा मेरी गेम। दिस इज नो, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। थ्री फाइव चॉप फाइव बार वन नहीं बावन 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 है। दिस इज बिट कंफ्यूजिंग बट ये बार वन है। कौन सी है बावन? यार मैंने दूसरी बोल ली थी यार। यू वन अब हम पार्टी करने वाले हैं और एंजल पनिशमेंट के पास जा रही है। बाय बाय बाय।
इस बार ही आपको नहीं पता, मेरे को भी जीतना है यार, जीतना ओ मेरी घड़ी टॉबलर वन मम्मी टॉबलर वन देना। पता है क्या, ये लोग चॉकलेट भी ना ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली लाए हैं, फ्रेरो जो होती वो गोल होती, थोड़ी सी इररेगुलर सरफेस होता, टॉबलर वन होता तो स्मूथ होता और ट्रायंगल, बट इसकी घड़ी उतर गई। दिस इज फोर्थ राउंड फाइनली, राउंड 4 है। दो ना पहले मुझे खा सकते हैं। 1 2 3 मंच नट्स मैं फिर भी हार गई। मंच नट्स कौन सी है? मंच नट्स। ये मैं जीत गया गाइस, ये इनकी फेवरेट चॉकलेट है, तब भी मैं जीता। बट कोई बात नहीं, मैं कोई जीतना इसका, मैंने खाया नहीं था। तो गाइस आपको पता है मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, तो मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हारूं या जीतूं, मतलब चॉकलेट खाने को तो मिल रही है ना, फर्क पड़ता है। मम्मी हाथों से खिला रहे हैं और एंजल हारने वाले मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी तक ले आई जिनके जीरो अंडा अंडा का ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते ला मिल लो। फिफ्थ राउंड अब डीजे चॉकलेट दे जाए, खा जाए। 1 2 3
और चलते हमें रुकना पड़ेगा। और गाइस मजी बात ये है, मैं तो सोच रही हूँ अगर दो लोग का टाई हो गया, क्योंकि मतलब हम दोनों एक राउंड एक पॉइंट से पीछे हैं, तो मतलब कैसे करेंगे हम? तो बस आप आगे नहीं, अरे भाई से पीछे वाला स्टूडेंट बता रही है, एक और राउंड कर देंगे यार। इसी बात लेते हुए ये है लास्ट राउंड, इसमें सबको लास्ट टाइम चॉकलेट मिल रही है, और इस चॉकलेट को लेकर 1 2 3 निकाल 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 निकाल, कौन सी है निकाल, कौन सी है बता लो, मैं तो झारा पर खुशी में हूँ, निकाल दे गाइस। थैंक यू नहीं 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 गाइस, ओ गाइस आप लोग सोच रहे हो ये पागल है, इसमें दिमाग ही नहीं है, कुछ भी करती है, लेकिन 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 जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता चल गया होगी। सो गाइस अभी देखते हैं हम एंजल इंस्टाग्राम पे क्या करती है, वो हम यहाँ पे म्यूटेड दिखाएंगे, तो इंस्टाग्राम पे प्लीज सबके साथ टच में रहिए। यस गाइस बाय बाय गाइस। सो गाइस आपने देखा इसको इंस्टाग्राम पे लाइव, पहले खैर ये देखो हमारे पास कितनी सारी चॉकलेट्स अभी भी बची हुई है, मतलब मम्मी पापा थैंक यू है दिल से इतनी सारी चॉकलेट्स के लिए, और आप लोगों को अगर आप नहीं देखते तो हमारे को चॉकलेट नहीं लाके देनी थी उन्होंने, मैंने खुद अपने हाथ से चॉकलेट खिलाई। और ये सारी मैं बताना ऐसे बोला लो बेटा मम्मी है, इन्हें जरूर ट्राई करना, और मम्मी ने 1 2 भी बोला लो बेटा खाओ, हम ये फ्री में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं आपके मम्मी पापा ऐसे निकाल दीस, उसके अलावा एरी को बोलने देंगे, मेरे को बोलने नहीं देना, बोल बोल बोलो। तो गाइस आपके मम्मी पापा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, लो बेटा ये भी खाओ ये भी खाओ, गाइस चॉकलेट खाने में थप्पड़ और पड़ा होगा, बट कोई बात नहीं, वो अपनी जगह सही है, ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, उसने दांतों में कैविटी हो जा रही है उससे, और मैं अगर खाती हूँ तो मैं दिन में दो बार ब्रश करती हूँ, ये नहीं खाते, उसका रीजन ये है कि हफ्ते में एक बार ब्रश करते हैं, पहले भी मैं तो करता हूँ, इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है गाइस, पर एक बात सच्ची है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, नहीं मैंने ब्रश करता हूँ, इसके मुंह से बू आती है, बस बस